हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल में मैं लेके आई हूँ पटेटो वेजेस, और वो भी सिर्फ एक चम्मच तेल में। कैसे? ये है बेक पटेटो वेजेस, जो बाहर से एकदम क्रंची है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज आलू, और इन्हें वेजेस में कट कर लें इस तरीके से। मैंने करीबन एक आलू में से 8 पीसेस वेजेस के निकाले हैं, और जब आप इन्हें वेजेस को कट करते जाएं, तब आप इन्हें पानी में डालते जाएं जिससे ये काले ना हो। इस तरीके से काटते जाएं और डालते जाएं पानी में। फिर एक बर्तन में पानी गरम करें। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें सेंधा नमक डालें। नमक ज़रूरी है ताकि आलू अंदर तक नमकीन हो। और अब गर्म पानी में मैंने मेरे वेजेस डाल दिए हैं, और हमें इन्हें 5 to 7 मिनट कुक करना है। ये ज़्यादा कुक नहीं होने चाहिए, सिर्फ स्लाइटली कुक होने चाहिए। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गई है, अब मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब इसे स्ट्रेनर में डाल के ठंडा होने दें। और तब तक एक बाउल में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। उसमें मैंने डाली है हल्दी, लाल मिर्ची, पिसा हुआ धनिया और चॉप किया हुआ कोरिएंडर। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैंने डाला है कसा हुआ अदरक और सेंधा नमक, और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे वेजेस रेडी किए थे, वो ठंडे हो गए हैं। धीरे धीरे डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि ये टूट ना जाए। अब इसमें डाला है 1 चम्मच मैंने सिंघाड़े का आटा। आप चाहें तो इसमें कुट्टू का आटा या राजगरे का आटा ले सकते हैं, और अगर व्रत ना हो तो गेहूं का आटा ले सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स करके कोट कर लें। अब हमारी एक OTG प्लेट जो है, ये इसे मैंने ग्रीस किया है। बस हल्का सा ग्रीस करना है, बस ये ब्रश कर दिया। और ये जो हमारे वेजेस हमने रेडी किए थे, इन्हें अलग से मैरिनेट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें अच्छे से अरेंज कर दें। ये देखिए अरेंज हो गए हैं, और इसे OTG में बेक करना है 20 to 25 मिनट्स। मैंने इसे पहले प्री हीट कर लिया था OTG को 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद आप चेक कर लें। ये देखिए हमारे वेजेस रेडी हैं। मैंने इन्हें सर्व किया है घर की बनी ग्रीन चटनी और टमाटर की चटनी के साथ। So enjoy crunchy veggies.